हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, क्योंकि लेस्टर को कुछ ज़रूरी काम था तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, तो उसने मुझे आकर बोला कि प्रेसिडेंट बनने के लिए। वैसे वही था जिसने प्रेसिडेंट का असैसिनेशन करने का ऑर्डर दिया था मेरे को। तो उसके बाद आपने देखा कि मेरी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई गई, तो मेरे साथ 3 और गार्ड्स थे जो मेरे साथ हमेशा रहते थे, लेकिन मैंने उनको काम से निकाल दिया क्योंकि कामचोर थे सारे। लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फिक्र नहीं है क्योंकि मेरा तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो लेकिन लिस्टर को बहुत फिक्र हो रही थी, तो उसने मुझे इसलिए कॉल किया और एक सल्यूशन बताया। तो कुछ देर पहले ही मुझे लिस्टर का कॉल आया था, उसने बोला कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा पुलिस व्हीकल है जो वो मुझे देना चाहता है। उसके पास 2 अलग अलग व्हीकल्स है, उसने बोला कि मुझे दोनों टेस्ट करने के लिए, और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो ले सकता हूँ। तो फिर उसने मुझे लोकेशन भेज दिया है वो दोनों पुलिस व्हीकल्स का। वो 2 व्हीकल्स अभी एयरपोर्ट में है, तो मुझे भी वहीं पर जाना होगा उन दोनों व्हीकल्स को टेस्ट करने के लिए। लेकिन लेस्टर वहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि उसे और भी सारे काम हैं, तो मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा इस बार। वैसे मुझे इन व्हीकल्स की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन शायद लेस्टर को बुरा लग जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेस्टर ने मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी बोला था, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि पिछले वाले जो थे बहुत ही ज़्यादा तंग करते थे, इसलिए मैंने उनको काम से निकाल दिया। अब पता नहीं नया वाला आएगा तो क्या करेगा, इसलिए मैंने तो पहले ही मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई भी, मैं अकेला ही अपना ख्याल रख सकता हूँ। तो एयरपोर्ट का लोकेशन मैंने मार्क कर दिया है जहाँ पर उसने व्हीकल्स रखा था, तो मैं अभी वहीं पर जा रहा हूँ एक कार लेके। पता नहीं ये किसका कार है, मुझे तो रास्ते में मिल गया था, मैंने उठा लिया। अब प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा ही शहर है और यहाँ पे कारियाँ भी मेरे ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे सिक्योरिटी के लिए मुझे एक व्हीकल मिल तो जाएगी, लेकिन उसे चलाएगा कौन? अब मैं ही मेरा सिक्योरिटी के लिए एक व्हीकल चलाने लग गया तो देखने में ये कैसे लगेगा, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ ना, तो पता नहीं। लिस्टर ने मुझे लोकेशन तो भेजा था कि वो दोनों व्हीकल्स एयरपोर्ट में ही मिल जाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट में किस जगह मिलेंगे मुझे उसने नहीं बताया था। तो अब जाके ढूंढना पड़ेगा उस दोनों व्हीकल्स को। अभी मैं एयरपोर्ट के काफ़ी करीब हूँ, तो देखते हैं जाकर क्या होता है। कुछ भी हो, ये गाड़ी बहुत ही स्लो है। तो अभी मैं एयरपोर्ट में पहुँच गया हूँ, अच्छा हुआ कि मुझे एक दूसरी गाड़ी मिल गई क्योंकि पिछले वाला तो बहुत ही स्लो था। अब दोनों व्हीकल्स को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैंने लेस्टर को बताया था कि ठीक से बताए वो दोनों व्हीकल्स कहाँ पर रखे, लेकिन बहुत जल्दी में था इसलिए नहीं बता पाया। अब मुझे वो दोनों व्हीकल्स ढूंढना पड़ेगा, तो देखते हैं कहाँ पर मिलता है वो दोनों व्हीकल्स। दोनों व्हीकल्स आसपास ही होना चाहिए, लगता है मुझे यहीं पर मिल जाएगा। पता नहीं वो दोनों कौन से व्हीकल्स होंगे जो मेरे लिए वो छोड़ के गया है यहाँ पर। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं तो नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे थोड़े अच्छे वाले व्हीकल्स चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया बाद में तो परेशानी मुझे ही होगी। अच्छा, तो लेस्टर ने मेरे लिए 2 पुलिस टैंक छोड़ के गया है, तो अच्छा तो यही वो व्हीकल्स है जिसकी बात वो कर रहा था, तो चलो टेस्ट करके देखते हैं कौन सा बढ़िया है। तो दिखने में तो दोनों ही व्हीकल्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, अभी टेस्ट करके देखना पड़ेगा कौन सा बढ़िया है। तो पहले मैं ये बाई तरफ का टेस्ट कर लेता हूँ, फिर ये दूसरा वाला करूँगा। वैसे दिखने में तो ये बड़ा वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन ये छोटा वाला बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। तो मैं टैंक के अंदर घुस गया हूँ, तो अभी चला के देखना पड़ेगा कि टैंक कैसा चलता है। वैसे एयरपोर्ट में तो कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं कि इस टैंक का पावर कितना है और कौन से व्हीकल्स को ये आसानी से तोड़ मोड़ सकता है। तो ये देखो, ये आदमी भाग रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो चल तो अच्छा रहा है, लेकिन इसका स्पीड कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही स्लो है। शायद एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये शॉट तो अच्छी कर लेता है। हाँ, ब्लास्ट भी अच्छा है, ब्लास्ट पावर काफ़ी बढ़िया है। और रेंज रेंज मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था इसके हिसाब से, क्योंकि अब प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो मुझे तो थोड़ा खास वाला ही चाहिए होगा ना।
अभी देखना पड़ेगा, दूसरे वाला को भी टेस्ट करना पड़ेगा। इसकी पावर अच्छा है, वो तो देख के ही पता चल गया था। अभी दूसरे की बारी, देखना पड़ेगा दूसरा वाला कैसा चलता है। इसका नाम है TM02। ओके, तो ये मैं घुस गया इसके भी अंदर। अब देखना पड़ेगा कि ये कैसा चलता है। मुझे लगता है इसका एवरेज स्पीड पिछले वाले से थोड़ा तो ज़्यादा है। हाँ, शायद 67 किलोमीटर पर आवर होगा शायद। और रेंज का पता नहीं, रेंज मुझे सेम ही लग रहा है, शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। हाँ, शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है किसी को मारने। अरे ये देखो, ये क्या हो गया। अच्छा, तो ये टैंक पिछले वाले से थोड़ा पावरफुल तो है, क्योंकि दोनों ऑयल टैंकर फट गए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना ही इस टैंक को कुछ हुआ। तो मुझे लगता है मुझे यही वाला लेना चाहिए, क्योंकि इसका शायद आर्मर की पावर भी थोड़ा ज़्यादा है, शील्ड पावर भी थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, रेंज भी शायद ज़्यादा ही होगा, और दिखने में भी थोड़ा स्टाइलिश है। वो बड़ा वाला था तो छोटे जगह से अंदर आ जाने की शायद प्रॉब्लम हो सकती थी, तो हाँ मुझे अभी वो छोटा वाला ही चाहिए। तो अभी मैंने लेस्टर को कॉल कर दिया है, तो उसने मुझे कहा कि एयरपोर्ट के अंदर ही रहने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले आएंगे मुझसे बात करने के लिए। पता नहीं इस बार क्या हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कुछ परेशानियाँ हो गई है, क्योंकि मैंने तो पुलिस वाले के साथ मेरा कुछ बात होने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वांटेड स्टार मिल गया है। यहाँ पर 5 स्टार का वांटेड लेवल पर हूँ मैं। कोई तो परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन ये पुलिस वाले तो मुझे ही आके मार रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, लेस्टर से बात करना पड़ेगा इस बारे में। अभी तो खुद की जान बचाना पड़ेगा। अरे ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी है। हाँ, 5 स्टार्स का वांटेड लेवल में सब व्हीकल्स आ जाते हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर्स ही नहीं, टैंक्स और उसके साथ साथ ट्रक्स भी आएंगे। पूरा इलाका घेर रखा है इन लोगों ने। कुछ तो परेशानियाँ हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है शायद, इसलिए ये मुझ पर ही अटैक कर रहे हैं। पता नहीं अब यहाँ से बच के निकलूँगा कैसे, क्योंकि 5 स्टार वांटेड में लेवल में सर्चिंग बहुत ही देर तक चलती है, और व्हीकल्स भी इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अब क्या करूँ, जब तक ये मैं यहाँ से निकल नहीं जाता, तब तक इनसे कॉम्बैट सिचुएशन में रहना पड़ेगा। अभी भागने का रास्ता भी पता नहीं कहाँ से भाग सकता हूँ मैं। और एक परेशानी ये भी है कि इस टैंक का स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए भाग भी नहीं सकता इतनी जल्दी से। सर्चिंग ख़त्म होने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं भाग सकता, क्योंकि अरे ये देखो, ये सर्चिंग थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो गई है, लेकिन अभी शायद शुरू भी हो जाएगी, क्योंकि ये देखो। हाँ, ये पता था मुझे, वांटेड लेवल फिर से बढ़ गया है। ये एयरपोर्ट है तो यहाँ पर भागना थोड़ा मुश्किल है। अब पता नहीं कितने देर तक मैं इन लोगों से कॉम्बैट करता रहूँगा, मुझे नहीं पता कि कब तक ये लोग मुझे मारने के लिए आते रहेंगे। वे लेस्टर से बात हुई है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो आना बंद नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि उन तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स को काम से ना निकालता तो थोड़ा अच्छा होता शायद। अभी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। अब यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा मैं, पता नहीं कामयाब हो पाऊँगा या फिर नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये सर्चिंग बंद कर देंगे,
करेंगे। ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी है, हेलीकॉप्टर से सर्चिंग कर देते हैं तो मुझे थोड़ी परेशानी हो जाता है, इसलिए मैं पहले हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार तो मैं नहीं कर पाऊँगा ये, क्योंकि ये एयरपोर्ट है और बहुत ही ज़्यादा खुला जगह है, तो हेलीकॉप्टर्स भी मुझे आसानी से देख लेंगे। ये देखो यहाँ पर कितने सारे व्हीकल्स हैं पुलिस वालों के, पता नहीं ये कैसे हो गया। तो अभी मैं एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ से भाग पाऊँगा या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर रास्ता कुछ ठीक नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे पहले से ही पुलिस वालों को शायद बता देना चाहिए था कि मैं यहाँ पर दोनों व्हीकल्स टेस्टिंग के लिए आ रहा हूँ, शायद उनको पता नहीं है और इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम्स हो गई है। अभी यहाँ से निकलने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलना भी थोड़ा मुश्किल है। अब व्हीकल्स भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर्स भी है जो ऊपर से आसानी से मुझे ढूंढ निकालेंगे, और टैंक्स भी है, पता नहीं इस टैंक का पावर कितनी है। वैसे अब तक तो इसने अच्छा साथ दिया मेरा, क्योंकि शायद शील्ड पावर और आर्मर पावर भी इसका थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पुलिस वालों के टैंक के मुकाबले तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मेरे एक शॉट से ही पुलिस वालों का पूरा टैंक उड़ जा रहा है, और ट्रक्स या फिर कार्स तो इस टैंक के सामने कुछ भी नहीं है। तो मैंने चॉइस तो ठीक ही लिया है, लेकिन परेशानी ये है कि अब पता नहीं कितने देर तक मुझे यहाँ पर ऐसे मारपीट करना पड़ेगा। उम्मीद है लेस्टर को मैंने कॉल कर दिया है तो वो शायद कुछ कर लेगा इस बारे में। अभी तो मेरे कॉल करने के बाद उसने बोला कि मुझे मेरा ख्याल रखने के लिए। अभी देखो सर्चिंग हो रहा है शायद, तो मैं यह छुप के बैठा हूँ। लेस्टर ने मुझे बोला था कि कहीं छुप जाने के लिए, पता नहीं अब सर्चिंग ये लोग ख़त्म करेंगे। अरे नहीं, फिर से मैं वांटेड हो गया। तो लेस्टर से मेरी बात हो चुकी थी, तो उसने कहा कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पुलिस वालों ने मुझ पर हमला कर दिया था, तो अभी सब कुछ ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि अब ये टैंक मेरा है और पुलिस वाले और मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं इस टैंक को अब मेरे सेफ हाउस में ले जा सकता हूँ। मुझे लगता है मुझे एक दूसरा घर मिलना चाहिए, क्योंकि वो घर प्रेसिडेंट के रहने के हिसाब से तो बहुत छोटा है, और वो हिल्स पर है थोड़ी ऊंची जगह पर, इसीलिए मुझे थोड़ी परेशानियां होगी इस टैंक को वहाँ पर ले जाने के लिए, रास्ते बहुत ही छोटे हैं वहाँ पर। अब ये देखो यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ चल रही है, तो मुझे शहर के बीचों बीच थोड़ी खाली जगह पर मेरा एक घर चाहिए था, जहाँ पर मैं आसानी से कोई भी व्हीकल्स लेके आ जा सकता हूँ। और एक परेशानी यह भी है, मुझे इस व्हीकल को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अब सिक्योरिटी गार्ड्स को तो मैंने निकाल दिया था, पता नहीं कि यह इस व्हीकल्स को चलाने के लिए मैं किसे बुलाऊं। उम्मीद है मुझे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा इस व्हीकल को चलाने के लिए। अभी वो शायद मेरे साथ ही रहेगा हर वक्त, मुझे ज़रूरत जब पड़ेगी वो इस टैंक को लेके आ जाएगा। वैसे परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखो मैं इसी बात को बोल रहा था कि यहाँ पर रास्ते जो है बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसलिए ये टैंक को ले जाना वहाँ पर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अभी ये पहाड़ी इलाका है पूरा, रास्ते भी छोटे हैं और मोड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो मुझे रुकना पड़ेगा या फिर उस गाड़ी को रुकना पड़ेगा। ये देखो यार अब सामने से एक, अरे निकल गया, बच गया वो। अरे ये देखो पुलिस वाला आ गया, क्या हो क्या गया, अरे क्या हो गया। अच्छा तो ये शायद क्रिमिनल्स थे, अच्छा थोड़ा मदद कर देता हूँ इस पुलिस वाले की। अरे ये गया,
पुलिस वाला भी गया? अरे मैं तो मदद ही कर रहा था, क्या बताऊँ अब, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मदद कर रहा था, पुलिस वालों की क्रिमिनल्स भी उड़ गए और पुलिस वाले भी उड़ गए। चलो अब कोई नहीं, सेफ हाउस में जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा अब मैं। और ये हाँ ठीक ही है, बस ये देखो शायद ये पुलिस के व्हीकल्स थे, मुझे सॉरी बोलने के लिए आए थे। कोई बात नहीं, मैंने इनको माफ़ कर दिया। वैसे भी मैंने इतने पुलिस वाले मारे एयरपोर्ट में, माफ़ी तो मुझे इनसे मांगनी चाहिए थी। अरे ये गैरेज में शायद मेरा ये टैंकर नहीं घुसेगा, तो इसे बाहर ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब मेरा काम हो गया है ख़त्म। अभी मैं सेफ हाउस में जाऊँगा, मतलब प्रेसिडेंट का ये घर है मेरा, छोटा है मुझे पता है, लेकिन अब यही है। जब बड़ा घर मिल जाएगा तो घुमा दूंगा उसे सबको। तो ये मेरा काम हो गया। यहाँ पर पानी नहीं मिलता, दारू पी के शायद काम चलाना पड़ेगा। और ये रहा रेड वाइन, सो चीयर्स फॉर माय न्यू व्हीकल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और अभी प्रेसिडेंट को लेके अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।